नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के कांधला के शिक्षण संस्थानों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कांधला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीओ अमरदीप मौर्य ने छात्राओं को समाज में फैल रही अपराधों और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी। नगर के वरिष्ठ समाजसेवी व कांधला विकास मंच के महासचिव एडवोकेट नवेश जंग ने विद्यार्थियों को कहा कि यदि कोई व्यक्ति लोगों व छात्र छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करता है, ब्लैकमेल करता है, अभद्र व्यवहार करता है तो हेल्पलाइन नंबर 112 1098 वुमेन हेल्पलाइन और 1090 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कर अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका के अध्यक्ष नजबुल इस्लाम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए नारी शक्ति के बारे में जानकारी दी। थानाध्यक्ष कांधला समयपाल अत्री ने कहा कि नारी का सम्मान पूरे भारत में प्रत्येक समाज में अनेक रूप में होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है। समस्त भारतीय नागरिक जागरूक रहें और टोल फ्री नंबर पर जानकारी दें। उस दरमियान हम लोग हर जगह पब्लिक प्लेस, स्कूल और गांव गांव में ये प्रचार कर रहे हैं मिशन शक्ति के, नारी शक्ति के संबंध में, नारी स्वावलंबन के संबंध में, नारी सम्मान के संबंध में उन्हें तरह तरह की योजनाएं बताई जा रही हैं। पुलिस की जो सहायता नंबर तरह तरह के हैं उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि इनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। सर कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये अब तो शुरू हो गया है तो चलता ही रहेगा लंबे समय तक और इन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक ये पूरा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।